Assalamu alaikum. I am Dr. Ghazala Langa, working as lecturer at Institute of Physiotherapy and Rehabilitation Sciences, LIMS Jamshoro. आज हमने यहाँ पे फिज़िकल थेरेपी कॉन्फ्रेंस मुनक़द की है और अलॉन्ग विद दैट पोस्टर मॉडल कॉम्पिटिशन अमंग द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंसेज एंड अदर एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज. सो जबकि रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है हमारे इस कॉम्पिटिशन का और इस वक्त में जिस पोस्टर एंड मॉडल के साथ खड़ी हूँ इन्होंने सेकेंड प्राइज़ विन किया है. एंड मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि LIMS फिज़िकल थेरेपी कॉन्फ्रेंस 2023 द थीम वॉज के आई होप फॉर बेटर टुमारो. सो ये फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे अरेंज की है. द फोकस वॉज के हम यंगस्टर्स के दरमियान रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को जो है ना यूज़ उसकी इम्पोर्टेंस बताएँ. ठीक है, सो नाउ मूव ऑन, लेट्स टॉक टू देम. The second prize winners of poster and model competition, they are from Jijalma Institute of Physiotherapy and Rehabilitation Sciences. Okay. Thank you so much for the opportunity, Madam Ghazala. And I am the supervisor of Jijalma Institute of Physiotherapy and Rehabilitation Sciences. And we won the second prize and we are really happy about this. And our students did a really great job. And also we are thanks to the mother institute of our collaboration, Institute of Physiotherapy and Rehabilitation Sciences, as well as and the focal person Madam Ghazala. Thank you so much for a wonderful opportunity and the great presentation is in front of you guys. जी, आप देख सकते हैं कि इन्होंने lower limb leg का जो है मॉडल बनाया है, इस lumbar spine का मॉडल बनाया है और कुछ conditions शो की हैं कि जिनकी वजह से physiotherapy की need होती है. ठीक है, ओके. दिस प्योरली क्ले हैंडमेड, क्ले से बना हुआ है और बच्चों ने अपने हाथों से इसको डिज़ाइन किया है. बेसिकली शोइंग दैट हाउ द डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क कैसे प्लस होती है और उसका हाँ वेरी कॉमन नाउअडेज़. दिस इज वेरी कॉमन ना एंड मोस्टली इन वुमेन्स एज वेल एज. कैन यू मूव, व्हाट्स योर गुड नेम? मिस बानुमान एंड आई एम फ्रॉम Jijalma इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, फोर्थ ईयर. And today we won the second position in our posterior competition that is about lumbar spine, their deformities and the physiotherapy goals. So we won second position. असल में हमने ये topic लेने का हमारा मकसद ये था कि lower back pain जो lumbar spine से होती है वो आजकल बहुत common है in women's specifically. तो ये lumbar spine का pain जो है वो आजकल common है, वो क्यों common है, उसकी exercise हम कौन कौन सी हैं जो exercise करें और कौन कौन सी जिसको हम avoid करें ताकि हम इस चीज़ से जो है वो इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर सकें. और being a physiotherapist हम ये सारी चीज़ें, ये सारी deformities जो मेरे model में show हुई हुई हैं, तो इन सारी deformities को हम अपने magical hands के through किस तरह उसको जो है patient को दोबारा अपनी healthy life पर लेकर आते हैं, ना कि कोई surgery, ना कि कोई modalities, बल्कि हम अपने हाथों के through अपने patient को जो है वो दोबारा उसकी हेल्दी लाइफ में वापस लेकर आते हैं. सर, ये इसमें मेरे पास डिफरेंट डिफॉर्मिटीज शो हो रही थी, जैसे ये थी डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्जिंग, डिस्क थिनिंग एंड डिजेनरेटिव डिस्क. तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन होती है, इन कंडीशन से भी रिलेट कुछ और कंडीशन हो सकती हैं अगर हम इन कंडीशन को सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि इन कंडीशन में हमारे पास फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम उसको इंपॉर्टेंटली नहीं लेंगे तो ये कंडीशन हमारे पास इतनी वर्स हो जाती है कि फिर हमें फिजियोथेरेपी नहीं, फिर हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है. तो इसलिए हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इस कंडीशन के साथ अगर आप हैं तो हमारे पास आएँ, वी विल ट्रीट यू मैनुअली विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मोडेलिटीज. सो गाइज, यू कैन सी द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन डिफरेंट कंडीशंस. ओके, सो अभी हम एक और मॉडल पे खड़े हुए हैं जो कि है कार्पल टनल सिंड्रोम पे, दैट इज़ फ्रॉम द थर्ड ईयर ऑफ DPT स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंसेस LIMS. उनको सुपरवाइज किया है मैडम पिंकी भाटिया ने. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आई एम पिंकी भाटिया, लेक्चरर IPRS एंड आई हैव सुपरवाइज्ड द स्टूडेंट ऑफ IPRS थर्ड ईयर who has presented the carpal tunnel syndrome, and it would be good if these students will present themselves what they have met. Assalamu alaikum, I'm Nimarta from third year. Basically, our project is on carpal tunnel syndrome. We have shown here the compressions and we have also described here the treatment we'll apply over there, the symptoms we have told over there, and also the risk factors we have also told over there. We have also told about the physiotherapy management
Carpal tunnel syndrome basically is the compression of the median nerve in the carpal tunnel, and for that we are having the symptoms which appears on our index, middle and radial side of the ring finger and also the thumb. Over these area, the symptoms of the numbness, tingling sensation and over the pain. For that, we are having some treatment to check either way the symptom is positive or not. We perform some tests, which includes the Phalen's test, in which we tell the patient to just dorsally flex his wrist so that hold it for 1 second. And if he is having, if he'll appear the symptoms like pain, numbness, tingling over these areas that I have told before, so we'll tell the patient that you are having positive for the carpal tunnel syndrome. For physiotherapy management, we'll tell the patient if he's having mild to moderate pain, so he'll just first modify his places, like when he's working for only 2 to 3 hours, so he'll take the gaps in between so that he may not feel pressure over his wrist. And for severe, we'll tell the patient that he may go to the therapist, and therapist will apply the ultrasound therapy over there and also the infrared radiations over this area for reducing the swelling and also the pain over this area. Thank you. Okay, so ab hum next model ki taraf chalte hain, jo ki banaya gaya hai first year DPT IPRS ki taraf se. आई थिंक कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर नज़र आ रहा है ये, एंड सुपरवाइज़ किया है इसको मैडम वजीहा सहर ने. अच्छा, हमारे मॉडल के हिसाब से बच्चों ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं. इन लोगों ने फिजियोथेरेपी के लिए कार्डियक रिहेब को जो है शो करने की कोशिश की है कि रिहेब सेंटर में क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं. फर्दर इंट्रोडक्शन के लिए मैं हैंड ओवर कर रही हूँ जो है स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, वो इंट्रोड्यूस करेंगे कि उन्होंने मॉडल में क्या बनाया. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी कशिश. आवर बेसिकली प्रेजेंटेशन टॉपिक इज कार्डिक रिहेबिलिटेशन सेंटर. सो वॉट इज कार्डिक रिहेबिलिटेशन? कार्डिक रिहेबिलिटेशन इज अ प्रोग्राम अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एंड थेरेपिस्ट विच इम्प्रूव योर कार्डिक हेल्थ आफ्टर हार्ट अटैक, हार्ट सर्जरी एंड एंजियोप्लास्टी. वॉट इज कार्डिक रिहेबिलिटेशन सेंटर? इट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल विथ हार्ट डिजीज आर टू बी ट्रीटेड. इट इंक्लूड्स वार्ड, क्लिनिक, वेटिंग एरिया, रिसेप्शन एंड मशीन्स आर प्रेजेंटेड देयर. Cardiologists, physiotherapists, nurses and dietitians are presented there. Basically, there are three phases of cardiac rehabilitation. The first phase is clinical phase, which the main goal of the first phase is to maintain respiratory system, so we perform breathing exercise. The second phase is outpatient phase, in which patient perform exercise through machines. The machines are used are dumbbells, physio ball, stationary cycle, treadmill and ergometer. The third phase is a maintaining phase, in which patient is independent to do anything about any exercise. He or she can do yoga or gym, or join gym, or can do walk. What are the benefits of cardiac rehabilitation? The cardiac rehabilitation, it reduce the myocardial perfusion, it decrease the mortality rate in cardiovascular disease, it increase your strength and increase your oxygen uptake. So let's have a look towards the model ke inhone heart ka jo hai structure banaya hua hai anatomically. और हम देख सकते हैं कि इन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया है जिसमें ट्रेडमिल है, डंबल है, पुली, फिजियो बॉल और जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ यू नो मशीन्स की उन्होंने जो है यूजेज किया है कि आफ्टर एनी काइंड ऑफ सर्जरी, कार्डियक सर्जरी जो रिहेबिलिटेशन होती है तो वो उन्होंने बताया है पोस्ट कार्डियक रिहेब फेज के कौन कौन सी एक्सरसाइजेस वो कर सकते हैं, योगा. सो दैट्स रियली नाइस. Let's move on towards the next model, that is by the second year students of DPT from IPRS LUMS. The cardiopulmonary system is collection of the CVS and the respiratory system, in which you show that the blood is flowing from the right atrium to the right ventricles of the heart to the lungs, and deoxygenated blood is converted into the oxygenated blood and supplies the organs, body parts of the organs. In which the physiotherapy is affected, that is the in which you see that. यहाँ पे आप शो करवा सकते हैं कि जैसे कि फिजियोथेरेपी अफेक्ट कर रही है, जैसे कि कोई भी मूवमेंट हो रही है, डायनामिक मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पे कार्डिक आउटपुट इनका इंक्रीज होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है और जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है डिक्रीज होता है. तो ये सारी चेंजेस हैं, ऑक्सीजन डेप्थ भी होती है, तो इस वजह से हम ज़्यादा रनिंग में ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं. ये जो है एर्गोनॉमिक्स ऑफ स्पाइन बाय अल बेरूनी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, इन्होंने फर्स्ट प्राइज विन किया है. सो लेट्स आस्क अबाउट देम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सैयद साद अली शाह एंड दीज आर माय ग्रुप मेंबर्स फिजा मेमन, मुस्कान लखपत राय, सना सेदन, कुबा टू. एंड टुडे वी हैव प्रेजेंटेड आवर मॉडल विच इज स्पाइन एर्गोनॉमिक्स. तो उसमें हमने स्पाइन के बारे में बताया है और हमने स्पाइन की एर्गोनॉमिक्स के बारे में बताया है.
पहले हमने उसमें बताया कि एर्गोनॉमिक्स होती क्या है। तो एर्गोनॉमिक्स ये होती है कि हम हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं हम उनको ऐसे अरेंज करें कि वो हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो उसको अच्छे पोस्चर में रखे, उसको ख़राब ना होने दे। फिर हमने स्पाइन के बारे में बताया है कि जो ये हमारी स्पाइन है इसके स्ट्रक्चर क्या हैं। स्पाइन हमारा एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है और इसके 33 वर्टिब्रा होते हैं जिनमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, 12 थोरसिक वर्टिब्रा होते हैं, 5 लंबर वर्टिब्रा होते हैं एंड 5 सैक्रल वर्टिब्रा होते हैं और कॉकस होते हैं जो कि फ्यूज होते हैं आपस में। हमने बताया कि इनके 4 प्लेन्स होते हैं और उसमें हमने जो हम मेन जो हमने अपना मोटिव रखा वो ये रखा कि हम एर्गोनॉमिक्स को बताएं। उसमें हमने एक्सप्लेन किया है लाइव मॉडल्स के थ्रू कि कैसे हम जो हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम एक बहुत बैड पोस्चर में करते हैं और हम उनको कैसे गुड पोस्चर में कर लेते हैं, जैसे मोबाइल यूजिंग है, हमारे पास वेट लिफ्टिंग है, कंप्यूटर यूजिंग है। ये हमने लाइव मॉडल्स के थ्रू दिखाया है कि हम पहले इनको कैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़राब पोस्चर में करते हैं और वो हमारी स्पाइन के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती है और जब हम उनको अच्छे पोस्चर में करते हैं तो वो किस तरीके से हमारी स्पाइन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये हम दैट्स रियली नाइस। इट मीन्स कि इन्होंने हमें इम्पोर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर बताया है कि नॉर्मल रूटीन में जो हम काम काज कर रहे होते हैं अगर वो हम करेक्ट पोस्चर में करें तो हम बहुत सारी इंजरीज से बच सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड अदर मॉडल इज देयर दैट इज रिगार्डिंग जिम फिटनेस एंड कार्डियक रिहैबिलिटेशन अगेन दैट इज बाय व्हाट्स योर इंस्टीट्यूट नेम? अल बैरूनी। दैट्स आल्सो फ्रॉम अल बैरूनी। ओके, आई एम मेहरुनिसा, अस्सलाम वालेकुम। Our project is based on gym fitness and cardiac rehab. It emphasizes on patients that have cardiac that are inflicted by any cardiac condition. एंड हम उसमें क्या करते हैं, कोई भी कार्डियक पेशेंट आता है हम उसको एक्सरसाइज प्रोग्राम उसको करवाते हैं ताकि वो अपनी एक्टिव लाइफ में वापस आ जाए और उसकी जो कंडीशन है वो वर्सन से नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। My name is Sabahat Fatma. I am from Al Biruni Institute. Today's our topic is gym fitness. So fitness, what is fitness? Fitness is body's ability efficiently and effectively. So हमारे पास कुछ health related होते हैं और कुछ skill related होते हैं। तो health related हमारे पास muscular strength आ गई, muscular endurance आ गई और flexibility आ गई। Skills की अगर हम बात करें तो agility, speed, coordination, reaction time और जो हमारी exercise होती है fitness के लिए वो based होती है fit formula पे, frequency, intensity, time और type. So let's have a look towards the model. So we can see here are different types of dumbbell, treadmill and Stairmaster is here. They are showing the rehabilitation center related to cardio. That's really nice. ये आज हमने देखा कि पोस्टर एंड मॉडल कंपटीशन में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के बच्चों ने जो है अपने मॉडल्स बनाए तो हमने विजिट किया और इसमें हमने जो है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए फर्स्ट सेकेंड थर्ड। उसके अलावा टॉप 10 सेरेमनी वॉज ऑल्सो देयर फ्राम द आई पी आर एस लम्स जामशोरो एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक कॉन्फ्रेंस वेंट वेरी वेल। इट वॉज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें हमें ऑनलाइन स्पीकर्स ने भी ज्वाइन किया। आंचल फ्राम कैनेडा एंड लियाकत अली खान फ्राम कैनेडा वॉज देयर, दे वर ऑनलाइन। वाइल हमारे पास डॉक्टर राना सिद्दीकी आई हुई थी कैनेडा से और डॉक्टर सुनील कुमार थे फ्रॉम यूके और हमारे अपने इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर अली संग्रासी ने जो है पेपर प्रेजेंट किया और सैयद मुख्तार अली शाह इज़ फिजियोथेरेपिस्ट एट ओपीडी। सो ऑल अबाउट दिस अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेंट वेल। आप देख रहे हैं कि फ़िज़िकल थेरेपी के स्टूडेंट्स किस तरीके से जो है मेहनत कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं अपनी फील्ड को। थैंक यू।